दोस्तों पौधों में कैल्शियम क्यों जरूरी है, कैल्शियम की कमी होने पर पौधों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और कैल्शियम के कुछ प्राकृतिक स्रोत क्या हैं, उनका पौधों पर कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूंगी। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो जानकारियों से भरा होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जब हम नर्सरी से किसी पौधे को लाते हैं और उसे लगाते हैं तो कुछ दिन तो वो ठीक ठाक चलता है, वो अच्छे से बढ़ता भी है, फूल भी आते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि उसमें वृद्धि कम हो गई है, फूल कम आने लगे हैं और फल भी कम आ रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे कि कलियां आ रही हैं लेकिन वे झड़ जा रहे हैं, फूल पूरी तरह से नहीं खिल रहे हैं या फिर फूलों का साइज बहुत छोटा हो जाता है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि जो पत्तों के साइड से वे ब्राउन होने लगे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वे जल गए हैं। इनके अलावा पत्तियां पीली होकर गिर जा रही हैं और फलों का साइज और शेप भी ठीक नहीं आ रहा है। खासकर टमाटर के पौधे में देखा जाता है कि उसके जो फल है उसका नीचे का जो साइड है उसमें काले काले धब्बे नज़र आने लगते हैं और उनका साइज भी ठीक नहीं आता है और उसका रंग भी अच्छा नहीं आता है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं उसके बहुत सारे कारणों में से एक कारण कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस कैल्शियम की कमी को पौधों में कैसे दूर किया जा सकता है। तो कैल्शियम के बहुत सारे प्राकृतिक स्रोत हैं, जिनमें से एक है चूना। वही चूना जो हम पान के साथ खाते हैं, कैल्शियम का एक और स्रोत है और वो है अंडों के छिलके। इन्हें हम अक्सर ही फेंक देते हैं, इनका यूज हम कई तरीकों से पौधों के लिए कर सकते हैं। अंडों के छिलके में कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा भी अंडों के छिलकों में बोरोन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, सल्फर, जिंक जैसे कई महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं जो पौधों को काफ़ी लाभ पहुंचाता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हम इन अंडों के छिलकों को किस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। अंडों के छिलके को सबसे पहले अच्छे से धो लेना है, फिर धोने के बाद 3 से 4 दिनों तक धूप में अच्छे से सुखा लेना है। सुखा लेने के बाद आप इन अंडों के छिलके को अच्छे से पीस लीजिए। आप ये अंडे के छिलके इस्तेमाल करने के लिए एकदम तैयार हैं। इस पिसे हुए अंडे के छिलके का प्रयोग आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट ही अपने गमले में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले गमले की मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई कर लें और इस पिसे हुए अंडों के छिलके की 1 या 2 चम्मच आप गमले में डाल सकते हैं। गमले में डालने के बाद फिर थोड़ी सी इसे मिट्टी के साथ मिला लेना है और फिर इसमें पानी डाल देना है। इसके अलावा अंडों के छिलके का पाउडर का उपयोग पॉटिंग मिक्स बनाते हुए, यानी कि जब आप गमलों के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं उस वक्त भी कर सकते हैं। गमलों के लिए मिट्टी तैयार करते वक्त अगर उसमें इन छिलकों को मिला दिया जाए तो फिर ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं और फर्टिलाइज़र के तरह काम करते हैं और पौधों में कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं। इसके अलावा आप इस पाउडर को लिक्विड फर्टिलाइज़र के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कैल्शियम के एक और स्रोत के बारे में, और ये स्रोत है चौक। ये चौक है ब्लैकबोर्ड में लिखने वाला चौक, जिसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर स्कूलों में करते हैं। ये भी कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसका इस्तेमाल भी हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल डायरेक्ट ही गमलों में किया जा सकता है। इसके लिए गमले की मिट्टी में एक होल कर लेना है और फिर इस होल में चौक के टुकड़े को डाल देना है और फिर गमले में थोड़ा पानी डालना है ताकि चौक जो है वो धीरे धीरे गल जाए और मिट्टी के साथ मिल जाए। इसके अलावा आप चाहें तो चौक को रात भर के लिए पानी में डालकर छोड़ सकते हैं और फिर जब सुबह को वो अच्छे से पिघल जाए
तो उस पानी का इस्तेमाल आप अपने पौधों के लिए कर सकते हैं। चौंक के पाउडर का प्रयोग सीधे तौर पर भी किया जा सकता है। आप चौंक का पाउडर के करीब 1 से 2 चम्मच लें और उसे अपने पौधे के जड़ों से दूर चारों तरफ छिड़क दें और फिर उसमें पानी डाल दें। तो देखा दोस्तों, ये कुछ आसान तरीके थे पौधे में कैल्शियम की कमी को दूर करने का। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।